आर्टिकल वन। एक समय की बात है, एक बड़ी जमीन थी जिसे हम इंडिया कहते हैं। इस देश में कई छोटी छोटी राज्य और प्रिंसली स्टेट थे जो अलग अलग लोगों के द्वारा चलाए जाते थे। हर एक जगह की अपनी अलग भाषा, संस्कृति और पहचान थी, लेकिन सभी को एक दूसरे से एकता का एहसास था और वे अपने आप को एक बड़े देश जिसे हम भारत कहते हैं का हिस्सा मानते थे। ब्रिटिश एम्पायर के सालों के शासन के बाद भारत के लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता मानते थे कि भारत की डाइवर्सिटी को तभी बनाया रखा जा सकता है जब देश के अलग अलग हिस्से अपने तरीके से चल सकें, लेकिन सभी एक भारत के रूप में एक साथ जुड़े रहे। जब भारत का संविधान बन रहा था तो नेताओं के सामने ये सवाल था कि भारत को किस तरीके से एक देश बनाया जाए। क्या भारत को अमेरिका जैसा फेडरेशन बनाना चाहिए जहां हर स्टेट का अपना संविधान होता है, या फिर एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। नेताओं ने सोचा कि भारत की विविधता को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है अगर राज्य अपने मामले खुद देख सके, लेकिन एक मजबूत एकता के साथ जुड़े रहे। इसी वजह से यूनियन शब्द का चुना गया, मतलब भारत अलग अलग राज्यों के संग्रह नहीं है जो मिलके एक देश बना रहा हो, बल्कि भारत एक अखंड देश है जिसमें अलग अलग राज्य हैं। इसीलिए आर्टिकल वन कहता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचिए एक बड़ी फैमिली है जिसमें सब भाई बहन अलग अलग कमरों में रहते हैं। हर एक का अपना तरीका है जीने का, अपनी अलग पसंद है, लेकिन पूरी फैमिली को एक घर के रूप में देखा जाता है। जब घर के किसी बड़े फैसले की बात होती है तो सब एक साथ मिलकर फैसले करते हैं। यही चीज भारत के राज्यों के साथ होती है, जिसे कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों की अपनी अलग भाषा, संस्कृति और पहचान है, लेकिन जब राष्ट्र की सुरक्षा या राष्ट्र के विकास की बात होती है तो दोनों राज्य एक साथ भारत के रूप में जुड़े रहते हैं। इसलिए आर्टिकल वन कहता है भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है जिसमें सब राज्य अपनी अपनी अलग पहचान के साथ एक देश का हिस्सा है। अब जानते हैं कि आर्टिकल वन से हमने क्या सीखा। भारत एक यूनियन है, हम समझते हैं कि भारत एक अखंड देश है जो अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन ये राज्य अपने आप में अलग देश नहीं है। स्टेट का अपना महत्व है, हर राज्य की अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान है, लेकिन सभी भारत के अंदर एक साथ हैं। एकता और अखंडता, हम सीखते हैं कि देश की एकता को बनाए रखना जरूरी है चाहे कितनी भी विविधता हो राज्यों के बीच। सेंटर और स्टेट का बैलेंस, भारत में केंद्र और राज्य के बीच एक बैलेंस है। राज्य अपने कुछ मामलों खुद देखते हैं, लेकिन बड़े मुद्दों पर देश एक साथ फैसला ले करते हैं। अब जानते हैं आर्टिकल वन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेशनल यूनिटी। आर्टिकल वन भारत को एक एकजुट देश बनाता है जिससे देश की एकता और अखंडता बरकरार रहती है चाहे कितनी भी विविधता हो। स्टेट ऑटोनॉमी, हर राज्य अपने कुछ फैसले खुद ले सकते हैं जो कि लोकल प्रॉब्लम और कल्चर को ध्यान में रखते हुए होते हैं। स्ट्रांग सेंटर अथॉरिटी, एक स्ट्रांग सेंटर गवर्नमेंट होने से नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी और कंट्रोल बना रहता है। कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग राज्य अपनी संस्कृति और पहचान को बरकरार रखते हुए भारत का हिस्सा बन रहे हैं जो देश की विविधता को प्रमोट करते हैं।
अब इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें। सेंट्रल डोमिनेंस, कभी कभी केंद्र सरकार का ज़्यादा कंट्रोल होने से राज्य को अपने फैसले लेने में मुश्किलें होती हैं, जैसे लोकल प्रॉब्लम से सही से एड्रेस नहीं हो पाता। रीजनल टेंशन, कुछ राज्य अपने आप को ज़्यादा अलग पहचान देने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी कभी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और सेपरेटिस्ट मूवमेंट को जन्म दे सकते हैं, जैसे कि कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखा गया। इम्बैलेंस इन पावर, कुछ बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ज़्यादा पॉपुलेशन और रिसोर्स होने के कारण नेशनल पॉलिसीज पर ज़्यादा असर डालते हैं, जबकि छोटे राज्य कभी कभी इग्नोर हो जाते हैं। डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, राज्य के बीच के झगड़े जैसे पानी का विवाद को हल करने कभी कभी मुश्किलें हो जाती हैं और ये टेंशन बढ़ाता है। अब आप कंक्लूजन पर आते हैं। आर्टिकल 1 से भारत को एकता और अखंडता का लाभ मिलता है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच का बैलेंस संभालना जरूरी है ताकि रीजनल टेंशन और सेंट्रल डोमिनेंस के नेगेटिव इफेक्ट को कम किया जा सके।